सत श्री अकाल एवी न्यूज पंजाबी ते तुहाडा स्वागत करदे आं ते हुण नज़र मारदे आं अज दीआं खास खबरां ते 2024 चोणां च पंजाब नूं सर करन दे लई भाजपा ने खिंची तैयारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनवरी महीने च करनगे पटियाला दे विच वड्डी रैली। बठिंडा रिफाइनरी च गुंडा टैक्स वसूलन दे मामले दीआं परतां फरोलन लगी पंजाब विजिलेंस। जांच पूरी होण ते वड्डे साबका मंत्री आउणगे लपेटे च। एंबूलेंस मुलाजमान ने कौमी मार्ग जाम करन दा प्रोग्राम कीता मुलतवी। प्रशासन नूं दित्ता होर 2 दिन दा अल्टीमेटम। सर्दियों दी छुट्टियां च घरे बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सांझी की जानकारी। पंजाब दे विच गणतंत्र दिवस मौके हो सकदा वड्डा अतवादी हमला। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ने जारी किया अलर्ट। मान सरकार ने सत्ता संभालते ही लगाई नौकरियों की झड़ी। 10 महीने के अंदर अंदर 26,000 नौकरियां दिते जाने का किया दावा। कैनेडा गए कबड्डी खिडारी की दिल का दौरा पैण दे नाल हुई मौत। विआह करवाउण दे लई दसंबर महीने च गया सी कैनेडा। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। भाजपा दे वल्लों पंजाब जित्तण दीआं तैयारियां कर लईआं गईआं ने ते इसे दे चलदे हुण राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा नूं टक्कर देण दे लई केंद्रीय मंत्री अमित शाह पंजाब आ रहे ने। पटियाला विखे इक वड्डी रैली कीती जाएगी जिस नूं अमित शाह दे वल्लों संबोधन कीता जाणा। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 दीआं लोकसभा चोणां लई पंजाब दे विच अगाऊं तैयारी खिंच लई है ते इस मकसद दे लई पार्टी ने उह सब लोकसभा हलकिआं दी शनाखत कीती है जिथे पार्टी दीआं जित्त दीआं संभावनावां आम नालों ज़्यादा ने। इसे कड़ी दे विच पटियाला सीट नूं भाजपा अपने लई मजबूत सीट मन के चल रही है ते इसे दे लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जनवरी नूं पटियाला पहुँच रहे हैं जिथे वह एक विशाल रैली नूं संबोधन करनगे। अमित शाह दी पलेठी रैली दे नाल होर विरोधी पार्टियां दे हक्का बक्का रहण दे असार तों इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अजे तक किसी भी विरोधी पार्टी ने 2024 दीआं लोकसभा चोणां दे लई कोई भी ब्यौतबंदी इस तरीके दे नाल नहीं कीती कि जमीनी पद्धर से गतिविधियां शुरू हुई होण। भाजपा के जिला प्रधान सुरजीत सिंह गढ़ी और साबका जिला प्रधान लुधियाना के इंचार्ज हरिंदर कोहली ने 29 जनवरी को पटियाला च अमित शाह की रैली होने की गल की पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक पटियाला सीट तो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार टिकट का मजबूत दावेदार मनिया जा रहा। मौजूदा समय च कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी मैंबर पार्लीमेंट महाराणी परनीत कौर कांग्रेस पार्टी के वल्लों MP ने। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी धी जयेंद्र कौर दे लई टिकट देने दे इच्छुक ने ते सूत्र दसदे है कि 29 जनवरी की रैली की तैयारी की सारी कमांड भी बीबा जयेंद्र कौर ही संभाल रही है। संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह बीबा जयेंद्र कौर के नाम का रस्मी ऐलान कर सकते हैं या फिर उन्होंने नाम वल इशारा करके वर्करां नूं संकेत दे सकते हैं। इस दौरान बीते दिन एक पार्टी के सियासी गतिविधियां ते चर्चा भी हुई दसी जा रही है ते इस दे विच अमित शाह की रैली बारे विशेष तौर पर चर्चा हुई है। बीबा जयेंद्र कौर वालों रैली संबंधी ड्यूटियां लगाईया जा रही ने। मिली जानकारी मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री 29 जनवरी सवेरे 10 बजे पटियाला पहुंचेंगे। इस तो बाद गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब ते माता काली देवी दे मंदिर दे विच नतमस्तक होणगे। इस तो बाद वर्कर एक मीटिंग करनगे ते फिर हकीकत राय ग्राउंड दे विच रैली की जाएगी। पंजाब विजिलेंस के वलों एक तो बाद एक कार्रवाइया की जा रही ने हरेक जांच के लिए पंजाब सरकार के वलों भी हरी झंडी दी जा रही है। तो हुण इसे लड़ी के तहत विजिलेंस ने एक होर जांच बिड दी है। दरअसल बठिंडा रिफाइनरी के पिछलियां सरकारां वेले गुंडा टैक्स वसूले जाने की गल सामने आई सी ते हुण मुख्यमंत्री मान दे वलों इस जांच नूं अग्गे वधाउण दे हुक्म दिते गए ने। जेकर ये जांच निरपक्ष तरीके दे नाल हुंदी है तां कई सारे साबका मंत्रियों ते गाज डिगण वाली है। विजिलेंस ब्यूरो ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बठिंडा रिफाइनरी चले गुंडा टैक्स की फाइल खोल ली है। ब्यूरो के मुख दफ्तर के वलों इसकी जांच बठिंडा के SSP विजिलेंस को सौंप दी गई है। विजिलेंस दफ्तर बठिंडा ने गुंडा टैक्स मामले की बकायदा पड़ताल विड दी है जिस नाल कई सियासी आगुआ से गाज डिग सकती है। करीब एक दर्जन कंपनियों को तलब किया गया जिन्हों के प्रबंधकों के बयान लिखे जा रहे हैं। दस दईए कि फरवरी 2018 च बठिंडा रिफाइनरी च नवे बन रहे पैट्रोकैमिकल यूनिट की उसारी दे लई जो रेता बजरी की ढोआ ढोआई हो रही थी उस च ट्रांसपोर्टर ते होरना कारोबारी लोगों तो सत्ताधारी गुंडा टैक्स वसूल करते। अके हुए कारोबारियों ते ट्रांसपोर्ट कंपनियां ने उसारी समगरी की 25 जनवरी 2018 नूं सप्लाई बंद कर दी सी जिस करके रिफाइनरी तो उत्पादन ठप्प होने के हालात बन गए। वेरव्या के अनुसार हाकम धिर के तत्काली वे आगुआ च गुंडा टैक्स की वंड वंडाई तो रौला पै गया से आगू अंदरों अंदरी एक दूजे ते चिक्कड़ सुट्टन लग गए। ट्रांसपोर्टर इस गल तो तंग सन कि उन्होंने तो जबरी टैक्स वसूलिया जा रहा है। कई कंपनी मालकों ने शरेआम इनकार कर दिता बकायदा मुख्यमंत्री ते जिला प्रशासन तक पहुँच भी की।
तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दफ्तर ते भी उदों उंगली उठी सी ते पता लग्या है कि कुछ दिन पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस वेले गुंडा टैक्स की वसूली वाले सियासी आगुआं दा पता लगाउण दे लई विजिलेंस नूं पड़ताल वास्ते हरी झंडी दे दित्ती है। सूत्रां दे मुताबिक विजिलेंस पड़ताल किसी तणपत्तण लगी तो कई सियासी आगू लपेटे च आउण वाले ने। विजिलेंस ने कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां ते मिक्सर प्लांटां दे प्रबंधकां नूं भी तलब कीता है ते सूत्र दसदे आ कि कई कंपनियां नूं चलाउण वाले सियासी आगू जां उहनां दे रिश्तेदार ही ने जो गुंडा टैक्स तों इनकार भी कर रहे ने। विजिलेंस ने जिस सियासी आगू की आमदन के स्रोतों तो वध जायदाद मामले की पड़ताल पहले ही शुरू की हुई है उसकी भी गुंडा टैक्स के विच भूमिका दसी जा रही है। इसे तरह तलवंडी साबो हल्के के कांग्रेसी आगू भी गुंडा टैक्स नूं लैके शक के घेरे च ने। कई कंपनियां के प्रबंधकों ने ऑफ रिकॉर्ड गुंडा टैक्स के सारे भेद खोल दते हैं। दस दईए कि एम्स की उसारी च आए उसारी समगरी च भी गुंडा टैक्स की वसूली की चर्चा छिड़ी सी। इसे तरह पशु मेलिया च पशुओं से भी गुंडा परची वसूल की जाती रही है। गुंडा टैक्स का सब तो वड्डा रगड़ा ट्रांसपोर्टर लग्या है। विजिलेंस के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि गुंडा टैक्स की पड़ताल चल रही है ते इस पड़ताल के सियासी आगुओं की भूमिका की शिनाख्त की जा रही है। 108 एंबूलेंस कामियां दे वल्लों अपनियां मंगां मनवाउण नूं लैके लगातार पिछले कई दिनों तो प्रदर्शन किया जा रहा है ते हुण प्रशासन की दखलअंदाजी तो बाद कामियां दे वल्लों अज जो रोड जाम करन दा प्रोग्राम लिखा गया सी उस नूं 2 दिन दे लई अगे पा दिता गया। लाडोवाल टोल प्लाजे ते पिछले दिनों तो धरने ते बैठे 108 एंबूलेंस इंपलॉयज एसोसीएशन ने अज दे रोड बंद दा प्रोग्राम प्रशासनिक अधिकारियों के दखल तो बाद 2 दिन अगे पा दिता है। नुमाइंदगियां दा कहना है कि जेकर इस दौरान भी मंगां पूरियां नहीं कीतियां जांदियां तां कोर कमेटी दे वल्लों संघर्ष नूं तेज करन दा फैसला लिया जाएगा। पूरे पंजाब दे 108 एंबूलेंस चालकां दे वल्लों अपनियां मंगां दे संबंधी पिछले कई दिनों तो लाडोवाल दे विच रोस धरना लाया होया ते इन्हां दे वल्लों अज टोल प्लाजा दे उत्ते रोड जाम करन दा प्रोग्राम सी। उधर प्रशासन दे वल्लों कांग्रेसी आगू चौधरी संतोख सिंह दी मौत दा हवाला दिंदिआं एसोसीएशन दे नाल राबता कीता गया सी ते इसे दौरान इस फैसले नूं अगे पा दिता है। नुमाइंदगियां दा कहना है कि सरकारां दे वल्लों उन्हां नूं लारियां ते सिवाए कुछ भी नहीं दिता जा रहा ते जदों कोई मुलाजम अपने हक दे लई आवाज़ चुकदा है तां उन्हां नूं जां तां नौकरियों कढ दिता जांदा है ते जां फिर दूर दुराडे बदली करके भेज दिता जांदा है। इस संबंधी एसोसीएशन दे सूबा प्रधान ने दस्सिया कि जेकर 2 दिन दे बाद भी उन्हां दीआं मंगां दे वल कोई ध्यान ना दिता गया तां कोर कमेटी की मीटिंग करके आउंदे समय च संघर्ष नूं होर तेज करन दा प्रोग्राम लिखा जाएगा। धरनाकारियों ने कहा कि ये एंबूलेंसा 211 दे विच शुरू कीतियां गईयां सन पर 213 तो बाद उन्हां नूं हर साल मिलण वाला कोई भी वाधा नहीं दिता गया। कोविड के दौरान दित्तियां सेवावां दे लई भी कोई वाधू भत्ता नहीं दिता गया। होर तां होर हफ्ते बाद मिलदी छुट्टी भी बंद कर दित्ती गई है। उन्हां मंग कीती है कि उन्हां नूं पक्के करके हरियाणा की तर्ज ते तनखाह ते होर लाभ दित्ते जाण। वैसे तो सेहत विभाग के वल्लों इन्हां अधिकारियों नूं चेतावनी दित्ती गई सी कि आपो अपने कम्मां ते वापस जाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा, पर हुण कामियां दे वल्लों भी कहा जा रहा है कि अपनियां मंगां मनवा के ही यह सड़कां तों उठणगे। पंजाब सरकार छुट्टियां दे चलदे बच्चियां दी पढ़ाई लगातार जारी रखण दे लई वड्डे उपराले कर रही है ते इसे दे तहत सवेरे शाम योग अध्यापकां दे वल्लों ऑनलाइन लैक्चर करवाए जांदे ने जिन्हां नूं विद्यार्थियों के वल्लों भी भरवां हुंगारा दिता जा रहा है। इस दी जानकारी खुद सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे वल्लों सांझी कीती गई है। सर्द रुत दे मद्देनज़र पंजाब सरकार दे वल्लों विद्यार्थियों ते अध्यापकों की सेहत ते सुरक्षा दे मद्देनज़र कीतियां गईयां छुट्टियां दे दौरान पंजाब दे स्कूल सिख्या विभाग दे वल्लों ऑनलाइन विधि दे राही पढ़ाई दे नाल जोड़ के रखिया गया। स्कूल सिख्या विभाग की इस पहल नूं विद्यार्थियों दे वल्लों भरवां हुंगारा मिल रहा है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं पंजाब दे स्कूल सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्सिया कि ठंड वधण दे कारण लगातार स्कूल बंद रहण करके विद्यार्थियों नूं पढ़ाई दे नाल जोड़ के रखण वास्ते 30 दिसंबर 2022 तो ऑनलाइन तरीके दे राही विभाग दे फेसबुक पेज अते यूट्यूब चैनल ते लाइव जमातां लाउण दा प्रोग्राम शुरू कीता गया सी। अध्यापकां ते विद्यार्थियों वल्लों इस प्रोग्राम नूं बेमिसाल हुंगारा दित्ता गया ते हुण तक 12 लाख तों भी वध स्कूली विद्यार्थी इह लैक्चर वेख चुके ने। बैंस ने दस्सिया कि बोर्ड के इम्तिहानां वाली जमातों के विद्यार्थियों नूं छुट्टियां दे दौरान पढ़ाई दे नाल जोड़ी रखण दे मंतव दे नाल उपराला कीता गया सी जो कि पूरी तरह दे नाल सफल रहा है। सिख्या मंत्री ने अगे बोलदिया कहा कि मान सरकार दे वल्लों कीते इस उपराले की मापियां दे वल्लों भी भरपूर शलाघा की जा रही है ते सालाना इम्तिहानां दी तैयारी अते प्री बोर्ड इम्तिहानां नूं मद्देनज़र रखदिआं विभाग दे वल्लों माहिर अध्यापकां दी मदद दे नाल रोज़ाना सवेर अते शाम दे सैशनां दे राहीं ऑनलाइन लैक्चर करवाए जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि पहला स्कूल के अध्यापक अपने पद्धर से अपनी जमात को पढ़ाते पर हुण इस बार सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस की अगवाई स्टेट पद्धर से उपराला किया गया।
जिस के तहत 8वीं 10वीं और 12वीं जमातों के वख-वख विषयों को कवर करके सोशल मीडिया के प्रभावशाली प्लेटफॉर्मों के राही इस रिले किया जा रहा है ता जो बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो। पंजाब दे विच हुण जा रहे G20 सम्मेलन ते गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र देश विरोधी ताकतां पंजाब दे विच वड्डी कारवाई कर सकदियां ने ते इस दा खदशा देश दीआं सुरक्षा एजेंसियां दे वल्लों जताया जा रहा है। इसे दे चलदे सूबे भर दे विच अलर्ट जारी कर दिता गया है ते पुलिस नूं भी मुस्तैदी दिखाउण दे हुकम जारी किए गए ने। गणतंत्र दिवस आ रहा है ते पंजाब बॉर्डर स्टेट होण दे चलदे आतंकवादियों के हमेशा ही निशाने ते रहिंदा है तो इस दे चलदे हुण सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब दे विच वड्डे अतवादी हमले का अलर्ट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके अतवादी पंजाब च हमले की तैयारी कर रहे हैं जिसके चलते सूबे च अलर्ट जारी किया गया। इस तों अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी अतवादी हमले का अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार भारत के G20 समिट हो जा रहा है तो इस भी निशाना बना के अतवादी वड्डा हमला करन की फिराक में ने। इस तों अलावा 26 जनवरी मौके भी अतवादी हमला कर सकते हैं। इत्थे भी दसन योग है कि कुछ समा पहला भी सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब च अतवादी हमले का अलर्ट जारी किया सी ते जिस दे विच कहा गया सी कि अतवादी हाईवे दे नाल लगदे पुलिस थाणियां नूं निशाना बना के हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट तो कुछ दिन बाद ही तरन तारण के सरहाली थाने ते RPG बंब सुट्टिया गया सी ते इसे दौरान चंगी गल यह रही कि यह RPG अटैक सफल नहीं हो सकया जिस कारण वड्डे जानी नुकसान तो बचा हो गया सी। हुण एक बार फिर तो सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब दे विच अतवादी हमले का अलर्ट जारी किया जिस तों बाद पंजाब पुलिस भी मुस्तैद नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री मान दे वल्लों जो सत्ता संभालण वेले रुजगार देण दा वादा किया गया सी उसनों पंजाब सरकार पूरा करन दी पुरजोर कोशिश कर रही है ते इस दे चलदे ही अज मुख्यमंत्री मान दे वल्लों सिहत विभाग दे विच नियुक्त होए नवें उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए ने। समागम दे विच मुख्यमंत्री मान ने कहा कि साडी सरकार हुण तक 26,000 दे करीब नौजवानां नूं रोजगार दे चुकी है ते ए सब सरकार बनन दे महज 10 महीने दे अंदर अंदर कीता गया। पंजाब सरकार जदों तो लैके सत्ता दे विच आई है उदों तो लैके हुण तक लगातार रोजगार मुहैया करवा रही है। इसे दे चलदे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों अज सिहत विभाग च नवें नियुक्त होए उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए ने। इस दौरान संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब वासियां दे नाल कीता रोजगार दा वादा सरकार दे वल्लों हौली हौली पूरा कीता जा रहा है। उन्हें कहा कि अज्ज दे नियुक्ति पत्रां नूं मिला के हुण तक वह 25,886 नियुक्ति पत्र नौजवानों नूं वंड चुके हैं। उन्हें कहा कि सब कुछ पहला भी किया जा सकता सी पर पहला वालियां सरकारां दी नीयत साफ नहीं सी ते सरकारां आम लोगों नूं रुजगार ते सहूलतां देण दी बजाए अपनियां जेबां भरन दे विच लगियां होईयां सी। उन्हें कहा कि असीं अपने नौजवानों नूं स्टार्टअप दे वल लैके जावांगे। इत्थे मुख्यमंत्री मान ने भ्रिष्टाचार ते जीरो टॉलरेंस नीति की शलाघा करदिआं कहा कि उह भ्रिष्टाचार के मामले च अपने किसी सके रिश्तेदार नूं भी नहीं बख्शणगे। उन्हें कहा कि असीं नौकरियां वोटां दे लई नहीं दे रहे हां ते नौकरियां च किसी तरह की सिफारिश जां रिश्वत नहीं चलेगी। अगे बोलदिआं उन्हें कहा कि वड्डियां कमर्शियल कंपनियां जिवें कि ओला फ्लिपकार्ट ते अमेजोन वालियां नूं पंजाब च दफ्तर बनाउण दे लई लगातार कहा जा रहा है ते नाल दी नाल बोलदिआं उन्हें कहा कि बाकी तां सब कुछ बाद दे विच हुंदा रहेगा पर सब तो पहला सेहत सहूलतों का होना बेहद जरूरी है ते फिर इस तो बाद पढ़ाई ते पढ़ाई दे मुताबिक नौकरियां जरूरी ने। विदेशों दे विच गए पंजाबियों ते बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है ते आए दिन कोई ना कोई दुखदायक खबर सामने आई रहिंदी है ते हुण बीते दिन एक कबड्डी खिडारी की दिल का दौरा पैण दे नाल मौत हो गई है। दरअसल अमरीत पत्तोहीरा नामक एक खिडारी बीते दसंबर महीने च कैनेडा विआह करवाउण दे लई गया सी ते उत्थे जा के उस दे नाल इह दुखदाई घटना वापर गई है जिस तों बाद भारत दे विच उसदे मापिआं दा रो रो के बुरा हाल हो गया। मोगा दे कस्बा निहाल सिंह वाला दे पिंड पत्तोहीरा सिंह दे नामी कबड्डी रेडर अमरप्रीत सिंह अमरी दी कैनेडा दे सरी दे विच दिल दा दौरा पैण दे कारण मौत हो गई। पिंड पत्तोहीरा तों मिली जानकारी दे मुताबक 28 वरियां दा अमरप्रीत सिंह दसंबर महीने दे विच विआह करवाउण दे लई कैनेडा गया सी अते पिछले साल उसदा विआह होया सी। अमरप्रीत सिंह अमरी कबड्डी दे चोटी दे रेडरां दे विच्चों आउंदा सी। जिवें ही अमरप्रीत सिंह अमरी दी मौत दी खबर पिंड दे विच पहुंची तां परिवार समेत पिंड दे विच सोग दी लहर दौड़ गई। इस घटना तो बाद परिवारक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है। कबड्डी विच नामना खट्टण वाले अमरी दी मौत दे नाल जिथे कबड्डी जगत नूं वड्डा घाटा पिया है उत्थे ही नौजवान पुत गवाउण वाले परिवार नूं असह दुख दा सामना करना पिया है। देश दुनिया दीआं नवीआं ते ताज़ीआं तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो
ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।